सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रोहित पंगाल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। भाई आज के व्लॉग में भी ये टी शर्ट, भाई कसम खाता हूँ दोस्तों, दोनों बार ना ये धोके पहने हैं। पता नहीं क्या होता है, जब व्लॉग शुरू कर दो हर बार ये दो व्लॉग से यही टी शर्ट आ रही है। वहाँ पीछे कौन ही देख रहे हो आप, कौन ही है वो। सो अभी सुबह सुबह का क्या टाइम है, 6 बज गए हैं सुबह के। बच्चे बिल्कुल सही है। और थोर नीचे क्या कर रहा है देखो, कोनी वो देख, थोर ना आ रहा है। हमने कोनी को कल नहला दिया था, मैं वो कवर नहीं कर पाया था, बट कोई नहीं आगे करूंगा कवर। थोरी ओए थोरी, गली में क्यों नहाता रहता है तू, तेरी कोई प्राइवेसी नहीं है क्या? इसको यहाँ नहलाया था और नहला के थोरी यहाँ तक पहुंचा और हेला भी इसको रिसीव करने आ गई है। हेलो, तो थोरी को लेने आई है बिट्टू? हाँ लेने आई है थोरी, तेरे को लेने आई है। चल मतलब बात क्या है, ये गिल्ले और इसके पैर स्लिप हो जाते हैं यहाँ पे, तो इसको आराम आराम से लेके जाना पड़ेगा ना, क्योंकि इसके पैर बहुत ज्यादा गिल्ले हैं। चले थोड़ी और आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि हमने अपने थोर को उसके बेबी से क्यों नहीं मिलाया, क्योंकि भाई क्यों नहीं मिलाया बताओ। मैं इसको खुद ही नहीं पता यार कुछ भी, इसको ज्ञान नहीं है। हाँ मिलाएंगे, आने वाले किसी व्लॉग में मिलाएंगे। दोस्तों यहाँ मैं व्लॉग एडिट कर रहा हूँ और कोनी उठ के देख रही है, क्योंकि बच्चे की आवाज आ रही है ना, तो कोनी को आवाज आ रही है और कोनी उठ के देख रही है। अरे तेरे बच्चे यहाँ है बेटी, इनका ध्यान दे ले, इनको दूध पीना है। चल बैठ जा ढंग से। तो जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि मैंने कुछ पार्ट नहीं दिखाया था उस व्लॉग में, वो मैं अब दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। जब मैंने ना फोर्थ वाला बच्चा जो है ना, उसको मैंने उसकी सब चीज डिलीवरी मैंने कराई, साफ सब उसको मैंने करा, तो वो देखो अभी कितने नंबर का है ये चौथा नंबर, चार नंबर का, फोर्थ नंबर, ये फोर्थ नंबर का बेबी आ गया है। तीन बेबीज हो गए, तीन मेल है। अब ये चौथा देखेंगे, ये क्या इसकी थोड़ी सी है, थोड़ा सा ये डिलीवरी असिस्टेंट रचित ने करवाई है। ओ भाई ये भी मेल है, चौथा भी मेल है, और ये अपने डॉक्टर साहब अभी पूरी ड्यूटी दे रहे हैं। एचओडी है ये हमारे, और इनकी देख रेख में इसकी चौथा बेबी आ चुका है। टांग सीधी कर ले तो, 2 मिनट। कैसे लग रही है, देखो मेरी दूध पी रहे। चल चारे दूध पी रहे, पौने 2 बज गए रात के। दोस्तों कैसा लगा यार, मैंने खुद अपने हाथों से उस बच्चे की डिलीवरी कराई, फिर उसको साफ करा और फिर बाद अपने कोनी के पास छोड़ा और वो फिर उसने दूध पिया पहली बार। यार मतलब नेचर है यार, ये नेचर। और देखा अपने कोनी कैसे अपने मुंह में लेकर गई थी, उससे उसने हर्ट नहीं करा उसे, वो एक तरीका था उठाने का, है ना। इनके हाथ थोड़े होते हैं यार, ये भी किसी चीज को बच्चे को उठाएंगे वो मुंह से ही उठाते हैं, तो ये उसने मारा नहीं था उसको, कि जिसको नॉलेज नहीं होगी उसको लगेगा कि मार रहे, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। सो भाई अब आपको दिखाता हूँ एक अपडेट। हमारे फार्म पे एक ऐसा डॉग आया है जिसके पास लाइफ में लास्ट चांस था, वो मैं पेट डॉस्ट्री के चैनल पे भी डालूंगा ये प्रॉपर जो इस डॉग का पार्ट है, बट मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। लास्ट चांस था उस जहां वो रहता था, उसकी सोसाइटी वाले लोग उसको जहर देने वाले थे, तो उनकी ओनर ने मेरे से बात करी, मैंने और राकेश जो मेरे हेड ट्रेनर हैं, हम दोनों ने अपने रिस्क पे हमने यूं कहा कि कोई नहीं, इसको लास्ट चांस मिलना चाहिए, और इसको चांस मिला तो वो हमारे पास आया। अब आप लोगों को दिखाता हूँ, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, हाइपर एक्टिव डॉग है, और लास्ट चांस था उसका, तो अब आप लोग देखो उसे आगे। सो दोस्तों ये गुड्डू, सो दोस्तों ये हमारे स्टूडेंट आए हैं, गुड्डू नाम है इसका, और ये अमेरिकन बुल्ली है, और इसकी 4 से 5 साल एज है। सो भाई इसके साथ इसके जो ओनर है उनको ये इशू था कि ये ना उनके अलावा किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था अपने अंदर, एग्रेसिव डॉग है बहुत ज़्यादा, और मतलब कि उनके कहने पे कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, और उनके पास लास्ट चांस है,
कि भाई ये डॉग बच अगर आप बचा सकते हो तो बचा लो, नहीं तो सोसाइटी वाले उनके डॉग को यहाँ तक कि मतलब कि वो पॉइजन देने के भी पीछे पड़े हुए हैं जो इनकी सोसाइटी में रहते हैं। सो ये लास्ट होप है इस डॉग की। तो मैंने कहा कि कोई नहीं, हम आपके डॉग के लिए ना ट्राई करेंगे। मैं और राकेश ने बात करी, पापा ने तो मना कर दिया था, बट मैंने पापा को समझाया, मैं कहा पापा लास्ट ट्राई है डॉग के लिए, उसकी जान बच सकती है, तो इसलिए फिर हमने बोला कि कोई दिक्कत नहीं आप आ सकते हो। तो ये स्पेशल दिल्ली से अपने हिसार में आया, अभी मैम अंदर है उनसे भी मिलवाऊंगा और वो उनके वीडियो में उनके मुंह से कहवाऊंगा कि क्या क्या बात हुई थी। और फिर आप लोग दुआ करना, होप करना, सब चीज़ ठीक हो जाए, इस बच्चे की जान बच जाए। और फिर लास्ट में ये वाली वीडियो और वो वाली वीडियो दोनों डाल के दिखाऊंगा। हमारे पास उर्वशी आई है, दिल्ली से आई है उर्वशी, और उर्वशी के पास अमेरिकन बुल्ली है, अमेरिकन बुल्ली, तो उसको ट्रेनिंग के लिए ये लेके आई है। ताकि आप बताओ अपने बारे में। हाय, मेरा नाम उर्वशी है और मैं परमानेंटली तो गाजियाबाद रहती हूँ, बट अभी अपने बुल्ली के साथ मैं दिल्ली में रहती हूँ। और उसने क्या मेरे पार्टनर को अटैक कर दिया था, और इस वो सोशल नहीं है लोगों के साथ, इसलिए मैं उसको यहाँ लेके आई। तो मैम ने यही कहा था मेरे को कि भाई इसका लास्ट चांस है, सोसाइटी वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जहाँ मैम रहते हैं, तो प्लीज़ आप कुछ करो। तो मैंने हमारे ट्रेनर साहब से बात करी कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तो राकेश भाई ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, डॉग के लिए आप एक चांस लेके देखते हैं। अब अच्छा बच्चा बन के, अच्छा बच्चा बन के ही जाएगा गुड्डू अब यहाँ से। ये लो भाई गुड्डू, ये लो भाई गुड्डू की पहली इवनिंग है अपने फार्म पे, और अभी तक तो बिल्कुल सही है। कि क्या लग रहा है भाई, भाई साहब? भाई फिलहाल तक तो बिल्कुल बढ़िया लग रहा है, और अभी पता चलेगा वन वीक के अंदर मतलब वन वीक के अंदर अंदर ना डॉग की सारी कहानी आगे आ जाती है कि ये कैसा डॉग है, क्या करता है, क्या क्या ये कर सकता है। सो अभी तो ठीक है, बाकी आपको अपडेट्स देते रहेंगे। और डॉग ट्रेनिंग के लिए आप, और डॉग हॉस्टल के लिए, और रॉटवाइलर पपीज के लिए आप यहाँ कॉल कर सकते हैं। और ये रहे हमारी जान, अरे इन पे मैंने पानी डाल दिया था, इन सब पे पानी डाला हुआ है। हाँ कुछ जो अपने पास वन वीक के लिए और एक्सटेंड हो गया, ये अपना गेस्ट है, वन वीक और आ रहा है यहाँ पे। फुल मस्ती होती है भाई पेट डोमेस्टिक फार्म पे। ये देख सकते हो आप, कूजो नहाई नहाई कर रहे हैं, गर्मी का मौसम हो रहा है यार बहुत ज्यादा, तो मैं कहा चलो रिलीफ दे देते हैं इन्हें थोड़ा सा, गुड्डू खिला रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाए गुड्डू। देखो ले गुड्डू रिलैक्स हो रहा है, मजे आ रहे हैं इसको, थोड़ा नॉर्मल हो जाए यार ये यहाँ पे, कि मतलब इसको कि ये नई जगह पे है। ये ले गुड्डू, अदर भी ले, थोड़ा गुड्डू को यूं लग रहा था ना, गुड्डू एक्चुअली अमेरिकन बुल्ली है और ये हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आया हुआ है, और इसको यूं लग रहा था कि मैं कहीं अलग जगह पे तो नहीं आ गया, तो इसलिए इसको थोड़ा पीले पानी पीले पीले लो भाई, अभी ना पीना की बात ही खुशी 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 को पानी पसंद नहीं है। और फिर क्या हुआ, आप लोग देख के हैरान हो जाओगे, गुड्डू की ओनर है जो गुड्डू की पेरेंट है वो देख के भी हैरान हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको दिखाई नहीं थी, मैंने आपके लिए सरप्राइज रखा हुआ था। अब ये क्लिप देखो गुड्डू कैसे चेंज हो गया फिर सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर। हम ना डॉग की बिहेवियर वगैरह सारी चीजें, बिहेवियर थेरेपी वगैरह सब करते हैं, और ये देख लो उसका एग्जाम्पल, पहले दिन में ही डॉग हमारे साथ इतना कंफर्टेबल हो गया है। और इनके जो ओनर थी वो यूं कह रही थी कि सर इन्हें इसे बाहर निकालना भी मत, एकदम से कह रही थी एक हफ्ते तक तो बाहर भी मत निकालना, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, और ऐसे वैसे मतलब कई बातें हुई थी। बट आप लोग देख सकते हो ये जो नाम है ना, ये बहुत चीज़ें बयान कर रहा है। ये देख लो, ये देख लो, खेले के मानेगा भाई, आजा आजा तो रुक, आजा आएगा, ये दिखा रहा है क्योंकि। दोस्तों इसी के साथ इस प्यारे से ब्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, कैसा लगा ब्लॉग जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। एडिटिंग चल रही थी, प्लीज ब्लॉग को ना पूरा देख के और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट सेक्शन में बताना यार कौन सी मूवमेंट अच्छी लगी।
है, आप लोगों का भी एक्सपीरियंस था क्या ऐसा कभी? अगर था तो कैसा लगता है आपको ये बताना, और नहीं था तो देख के कैसा लगा ये जरूर बताना यार, ठीक है? नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, धमाकेदार प्यारा सा मस्त सा व्लॉग होगा। कमेंट सेक्शन में आप टाइटल भी बता सकते हो नेक्स्ट व्लॉग का क्या टाइटल।